हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्ती विद अभिषेक में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ सौर मंडल के बारे में, है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूँ। फ्रेंड, जानेंगे कि हमारा सौर मंडल है ना, तो सौर मंडल आखिर होता क्या है फ्रेंड, है ना। तो सौर मंडल सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों आदि को सौर मंडल कहते हैं, है ना फ्रेंड। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है ना, देखेंगे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितने फ्रेंड, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जानेंगे फ्रेंड कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह, है ना, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह कौन कौन से हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा बुध, है ना, बुध। इसका ट्रिक देखेंगे फ्रेंड कि बसपा की मायावती सेब खाती है ना, इसका ट्रिक है फ्रेंड कि बसपा की मायावती सेब खाती है। तो बी से आपका हो जाएगा, ब से आपका हो जाएगा बुध, है ना। और उसके बाद स से शुक्र हो जाएगा, और पास से हो जाएगा पृथ्वी, मास से हो जाएगा मंगल, ब से हो जाएगा आपका बृहस्पति, और स से हो जाएगा आपका शनि, और ए से आपका हो जाएगा अरुण, और बी से हो जाएगा आपका वरुण, है ना। उसके बाद फ्रेंड जानेंगे कि किस ग्रह के पास कितनी उपग्रह है, है ना। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड के बुध, है ना, बुध के पास उपग्रह की संख्या कुछ भी नहीं है, है ना, बुध के पास कोई उपग्रह है ही नहीं। और उसके बाद है फ्रेंड शुक्र, शुक्र के बाद कौन कितना उपग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा 0, है ना। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अगर पूछ दे कि सूर्य के पास कितना उपग्रह है, तो एक भी उपग्रह, सॉरी, शुक्र के पास कितना उपग्रह है, तो एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद है फ्रेंड पृथ्वी, है ना, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है, वह उपग्रह कौन सा है फ्रेंड, तो ये आपका चंद्रमा है, है ना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद है कि मंगल, है ना, मंगल के पास दो उपग्रह है, मंगल के पास कितना उपग्रह है फ्रेंड, दो उपग्रह है, वो उपग्रह कौन कौन सा है, तो एक है डीमोस और दूसरा है फोबोस फ्रेंड। उसके बाद है आपका बृहस्पति, है ना, बृहस्पति के पास कुल उपग्रह की संख्या कितना है फ्रेंड, तो ये आपका 67 हो जाएगा, ना, कुल उपग्रह की संख्या कितना है, 67 है। उसके बाद है फ्रेंड शनि, है ना, शनि के पास उपग्रहों की संख्या कितना है फ्रेंड, तो 62 है। अरुण के पास उपग्रहों की संख्या 27 है, और वरुण के पास कितना है फ्रेंड, 13 है, है ना। अगर फ्रेंड इसी में आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है ना, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, है ना, बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है ना। देखिए बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है, तो 67 है। उसके बाद है फ्रेंड शनि, है ना, शनि के पास 62 है ना। उपग्रहों की संख्या क्या है फ्रेंड, कितना है फ्रेंड, तो ये आपका 62 हो जाएगा फ्रेंड। अगर पूछ दे इसे पूछ दे कि सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, है ना, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो बृहस्पति हो जाएगा। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा ग्रह, तो ये आपका बुध हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।